सूबे में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार भले ही अपराधियों, माफियाओं, दबंगों के घर पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, लेकिन सूबे में दबंगों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे। दबंगों की दबंगाई का कुछ ऐसा ही मामला गोंडा जिले से सामने आया है, जहां दबंगों के एक समूह ने जो है सरकारी डॉक्टर पर प्राणघातक हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिला चिकित्सालय का है, जहां जिला अस्पताल में कार्यरत ईएमओ पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। हमले में ईएमओ पूरी तरह जख्मी हुए हैं। हमले में घायल डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि इमरजेंसी की ड्यूटी करके बाहर निकल रहे थे, तभी दबंगों के एक समूह ने उन पर प्राणघातक हमला कर दिया और वहीं पर वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले दबंग जिला अस्पताल के सामने एक्सरे व मेडिकल स्टोर की दुकान चलाते हैं। पाँच तारीख को रात 9:30 बजे एमरजेंसी का राउंड ख़त्म करने के बाद जैसे मैं गेट के पास पहुंचा, 15 से 20 अज्ञात लोगों ने मुँह पे जो गमछा बांध रहे कपड़ा बांध के रहे थे पुनर्जीवित ढंग से अचानक से हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हमारे कर्मचारियों ने हमारा एमरजेंसी में ला के मेडिकल परीक्षण कराया। एमरजेंसी में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद जब अपने घर की तरफ जाता है तो उसको गेट पे कुछ लोग जिनकी स्वार्थ की पूर्ति उस डॉक्टर से नहीं होती है उसको गिरा गिरा के गाड़ी से निकाल के मारते हैं, और जाके जो दोषी हैं वही पहले FIR भी करते हैं। तो नामजद और 18 से 20 लोग अज्ञात द्वारा मारपीट की गई, इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दो अभियुक्तों को प्रकाश मिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है।